नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। धनतेरस के उपलक्ष्य में बाजार में हुई धन की वर्षा, लगभग 800 करोड़ से ऊपर का व्यापार। धनतेरस के उपलक्ष्य में बाजार में धन की वर्षा शुरू हो गई है। मंगलवार को करीब 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला बाजार अब दिवाली को लेकर उत्साहित है। धनतेरस पर सर्राफा ऑटोमोबाइल कपड़ा बाजार में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ बाजार में देखी गई, जहां पर कुतुबखाना, कोहाड़ा पीर, शाहमजगंज और शहर के विभिन्न इलाकों में भीड़ नज़र आई। कहीं पर फुटवेयर विक्रेता तो कहीं पर कपड़ा विक्रेता, कहीं पर फूल विक्रेता तो कहीं पर मूर्ति विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इसके अतिरिक्त बाजार में खील बताशों की दुकानें, मिट्टी के दिए, मूर्ति और पूजा पाठ का सामान बहुत ही ज़ोर शोर में बेचा गया। दर्शकों, आपको बता दें, बीते वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से जो दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, इस धनतेरस पर उन्हें काफ़ी खुशी मिली है। लगभग 800 करोड़ का व्यापार होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, जिसमें 25 करोड़ रुपए के बर्तन, 25 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट, 20 करोड़ रुपए की मिठाइयाँ, 250 करोड़ रुपए से ऊपर के वाहन, 25 करोड़ रुपए से ऊपर की लाइट झालरें और 10 करोड़ से ऊपर के मोबाइल बेचे गए। मंगलवार को धनतेरस के उपलक्ष्य में सबसे ज़्यादा भीड़ बर्तनों की दुकानों पर नज़र आई, जहां पर पीतल, तांबे, स्टील, एल्युमिनियम, चांदी के बर्तन की खरीद करते लोग काफ़ी खुश नज़र आए। इसके अतिरिक्त एमबी इंटर कॉलेज में पटाखे की दुकानें भी सज गई हैं, यानी कि पटाखों का बाज़ार एमबी इंटर कॉलेज में लग गया है, जहाँ पर खूबसूरत दुकानें सजी हैं और लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। लोगों ने एमबी इंटर कॉलेज में जाकर पटाखों की दुकान पर आतिशबाजी खरीदना शुरू कर दी है। अगर हम फूल विक्रेताओं की बात करते हैं, तो बीते वर्ष फूल विक्रेताओं का भी काफ़ी बुरा हाल रहा। उनको फूलों में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन नवरात्र से शुरू होने वाले इस शुभ पर्व पर उनके फूलों की बिक्री होते हुए अब इसका असर धनतेरस पे भी देखने को मिला। दर्शकों, बरेली के बाज़ार में धनतेरस के उपलक्ष्य में लगी भीड़ ये बता रही है कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे विक्रेता अब धनतेरस पर होने वाले लाभ से खुश हैं और दीपावली पर भी लाभ होने की उम्मीद जता रहे हैं।